क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे ध्यान देंगे। आज हम अभी तक तो बिल्कुल बेसिक्स बेसिक ही बात पढ़ रहे थे, और अभी से हम क्लियर रूप से एकदम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तुरंत सबसे पहले अगर यहाँ से बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी का डेफिनेशन हम बहुत बार पीछे भी बता चुके हैं ना, एक बार और इसका डेफिनेशन अगर बात किया जाए तो सिंपल बात करेंगे व्हाट इज़ बायोलॉजी में, कि भाई देखो बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस है, ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। अच्छा, नेचुरल साइंस क्या होता है? साइंस को अलग अलग पोर्शन में बांटा हुआ है, ठीक है, नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं। उसी तरह से बायोलॉजी नेचुरल साइंस का एक हिस्सा है, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इन विच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी नेचुरल साइंस का हिस्सा है जिसमें हम पढ़ते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट, हम किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिज्म, हम लोग जीवों के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंट्रैक्शन। इसका मीनिंग समझा रहे हैं तुरंत, ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंट्रैक्शन विथ इन्वायरमेंट। हाँ, मतलब ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, और वह इन्वायरमेंट से उनका क्या इंट्रैक्शन है, मतलब आसपास के इन्वायरमेंट से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बॉडी के अंदर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से किस तरह रिलेटेड है, इन दोनों के जुड़ाव के बारे में पढ़ते हैं। मेन रूप से बोले तो बायोलॉजी एक लाइफ साइंस है, ठीक है, लाइफ साइंस, ठीक है। बायोलॉजी को हम सिंपली बोल सकते हैं, बायोलॉजी इज सिंपली ए कैसा साइंस, लाइफ साइंस, लाइफ लाइन नहीं, लाइफ साइंस, ठीक है, लाइफ साइंस। अच्छा, बायोलॉजी एक बात है भाई। अब देखते हैं, सुनना ध्यान से, कि जो हमारा ये वर्ड, अब देखते हैं थोड़ा सा बात कि टर्म जो बायोलॉजी है वो कहाँ से आया है, ठीक है, बताओ टर्म बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी वर्ड कौन दिया है, पहले तो इस पे आते हैं, या बायोलॉजी वर्ड का मतलब समझते हैं, टर्म बायोलॉजी, बायोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी वर्ड का मतलब होता है, दो वर्ड से बना है बायोलॉजी, एक बना है यहाँ से बी आई ओ एस, ठीक है, यहाँ से लॉजी से आ गया एल ओ जी ओ एस, बायोस और लॉजोस, ठीक है, या लोगोस जो पढ़ो। अब यहाँ पे ये दो वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब है लाइफ, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और इसका मतलब होता है, लॉजोस का मतलब हो गया स्टडी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लाइफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, सिंपल, ऐसे समझ गए। अच्छा, और टर्म बायोलॉजी दिया कौन था, ठीक है, टर्म बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय, किसके द्वारा ये बायोलॉजी वर्ड दिया गया है, किस साइंटिस्ट के द्वारा। एक्चुअली इसमें दो साइंटिस्ट का नाम है, एक भी याद रखोगे तो चलेगा, साइंटिस्ट का नाम है लैमार्क, ठीक है। लैमार्क जो साइंटिस्ट हैं वो एक्चुअली जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। लैमार्क नाम के साइंटिस्ट ही, मतलब वो क्या उससे पहले बायोलॉजी नहीं था, था, लेकिन ऐसा माना जाता है, किताब वगैरह में ऐसा मेंशन है कि बायोलॉजी वर्ड का पहला बार जो इस्तेमाल किया गया, या बायोलॉजी वर्ड को जो दिया गया वो लैमार्क के द्वारा दिया गया। और एक और साइंटिस्ट है इसमें, लैमार्क हैं, और एक और साइंटिस्ट का नाम है हमारा ट्रेविरेनस। ये कहाँ के हैं, तो जर्मनी है, जर्मनी के बगल में हमारा, एक सेकेंड, फ्रांस है, ये फ्रांस के, फ्रांस, और ये जर्मनी के हैं। हाँ, ये दोनों कब दिए थे, 1801 में, ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, इन 1801, इन 1801, कैसे याद रहता है जी, 1800 से कुछ हमको डेट याद रखना होता है, तो हम विराट कोहली को याद रखते हैं, 18 मतलब विराट कोहली एक रन बना के आउट हो गया, ठीक है, तो 1801
चलो ठीक है, आगे बायोलॉजी वर्ड के बारे में हम जान गए, आगे बात करते हैं, सुनो ध्यान से, यानी कि पहला चैप्टर में विराट कोहली एक रन पे आउट होता है एकदम शुरू में, ठीक है 1801। आगे देखते हैं, ये बायोलॉजी वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत था। अब देखो साइंस का एक बड़ा हिस्सा है, उसी में से टूट के बायोलॉजी बना है। हाँ, तो बायोलॉजी को एक हिस्सा के तौर पे, यानी कि एक ब्रांच के तौर पे सबसे पहले कौन लाए, तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल नहीं, नेचुरल साइंस में बहुत सारा पढ़ना है, अलग अलग बहुत सारा साइंस है, लेकिन नेचुरल साइंस में से बायोलॉजी को कोई सेपरेट किया, वो है उनका नाम क्या है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ही नेचुरल साइंस में से बायोलॉजी को सेपरेट किए, इसीलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ये नहीं कि रट लिए हाँ ये होता है, नहीं, थोड़ा सा सीक्वेंस में पढ़ो, मजा आएगा समझने में। तो यहां पे बात करते हैं कि यहां पे लिखेंगे बायोलॉजी एज ए ब्रांच, अगर मतलब एक ब्रांच के तौर पे देखें, बायोलॉजी एज ए ब्रांच सेपरेटेड बाई कौन साइंटिस्ट, एरिस्टोटल। बायोलॉजी एज ए ब्रांच सेपरेटेड बाई एरिस्टोटल के द्वारा सेपरेट किया गया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है ना, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है इसी आधार पे कि हाँ इन्होंने बायोलॉजी को मतलब पहली बार कोई पाला पोसा जो है ना अलग करके, तो यही है, इसीलिए इनको फादर कहा जाता है कि बायोलॉजी पहले था नेचुरल साइंस के अंदर, उसमें से इन्होंने हटाया, उसको बढ़िया से थोड़ा बहुत शुरुआत में विस्तार किया एरिस्टोटल ने, इसीलिए इनको कहा जाता है। तो बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हम तुम्हें ये भी समझाए थे कि बायोलॉजी जो है वो दो सेक्शन में बढ़ता है, हमारा मेजर दो ब्रांचेस हैं, ऐसे तो बहुत सारा ब्रांच है बायोलॉजी में, लेकिन मेजर ब्रांच की बात करेंगे ना मेन, तो बायोलॉजी का मेजर दो ब्रांच है, एक का नाम है बॉटनी और दूसरा का जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत बॉटनी के बारे में देख लेते हैं, बॉटनी के बारे में समझते हैं, बॉटनी क्या है। बॉटनी अगर सिंपल रूप से समझें तो देखना, बॉटनी वर्ड पे ही चलते हैं, बॉटनी का जो वर्ड है इसी पे चलते हैं, BOTANY, बॉटनी। बॉटनी जो वर्ड है, ए वर्ड डिराइव फ्रॉम, देखो जितना बहुत सारा वर्ड ग्रीक या लैटिन वर्ड का होता है मैक्सिमम चीज, तो ये भी उसी तरह से डिराइव है, और यह आया है, सुनो ध्यान से, वर्ड डिराइव फ्रॉम, यह कहाँ से डिराइव है भाई, बॉटनी वर्ड, तो इसमें सुनो ध्यान से, मतलब वर्ड हम लिख रहे हैं कहाँ से डिराइव है किस लैंग्वेज से उतना मत जानो, हम लिख रहे हैं ए वर्ड है, ठीक है, इससे बॉटनी आया है। और अगर विकिपीडिया पे देखोगे तो तुम्हें दो दो नाम मिलेगा कि बॉटनी किस वर्ड से आया है, तो एक नाम मिलेगा बॉटनी NY के जगह NE मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा, इसका मतलब होता है हर्ब, ठीक है, हर्ब होता है या ग्रास होता है, इसका मीन्स हर्ब या ग्रास, हर्ब मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे, हर्ब और ग्रास, हाँ, मतलब बॉटनी वर्ड आया है ए वर्ड से, बॉटनी बोलो है, ये भी प्रोनाउंसिएशन बॉटनी जैसा ही होता है इसका भी ना, तो बॉटनी वर्ड इस वर्ड से आया है, बस वाई है तो यहाँ पे ई है, ठीक है, एक ग्रीक लैटिन वर्ड दूसरे कंट्री का वर्ड है, यहाँ से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, हर्ब और ग्रास, इसे समझ में आना चाहिए कि बॉटनी में हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन विकिपीडिया पे एक और वर्ड तुम्हें मिलेगा, अगर इंटरनेट पे देखोगे तो वो मिलेगा वर्ड तुम्हें बॉस्किन, बॉटनी वर्ड इससे आया, बहुत सारा बुक ये लिखता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू ग्रेज, चरना, मतलब ये पूरा बॉटनी रिलेटेड है, घास से चरने से रिलेटेड, मतलब सिंपली रूप से बोले तो ज़्यादा इधर दिमाग ना लगाते हुए, सिंपली अगर बात करें बॉटनी के बारे में, तो बॉटनी के बारे में अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो बॉटनी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी
इन विच हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट क्या प्लांट, इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट, जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, सिंपली प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो हम बॉटनी कहलाता है, ठीक है। चलो अब बॉटनी के बारे में या बॉटनी के फादर किसे कहा जाता है समझेंगे, ठीक है। बॉटनी के फादर किसको कहा जाता है, यहाँ पे नाम आया ट्रेविरेनस नाम आया था ना, हाँ जर्मनी के थे। देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम सुनो ध्यान से, उन्होंने क्या किया था सुनना, कि अलग अलग प्लांट के मतलब कि प्लांट बहुत सारे प्लांट को क्लासिफाई किया था, ठीक है। उन साइंटिस्ट का नाम है, एक मिनट, उस साइंटिस्ट का नाम हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ता है, ठीक है। देखो थियोफ्रास्टस नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सुनना ध्यान से, थियोफ्रास्टस नाम के साइंटिस्ट हैं। अब ये साइंटिस्ट क्या करते हैं सुनना ध्यान से, ये साइंटिस्ट जो हैं इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन है, ठीक है। पहले हम इसको लिख देते हैं कि थियोफ्रास्टस नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी का इन्हें फादर कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहा जाता है भाई, फादर ऑफ बॉटनी, देखो तो क्या किए थे इन्होंने, एक काम किया था, क्या किया था सुनो, इन्होंने एक किताब लिखा था और किताब में ना एक किताब लिखा था और वो किताब में क्या किया था इन्होंने कि बहुत सारे प्लांट के बारे में बताया था, लगभग 500 प्लांट के बारे में बताया था, जी अलग अलग वैरायटी के प्लांट के बारे में उस किताब में बताया था। तो सिंपल रूप से देखा जाए तो बॉटनी में अगर पहली बार किसी का बड़ा रोल है तो थियोफ्रास्टस का है, क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखा और किताब में 500 प्रकार के पौधों के बारे में समझाया, अरे बात समझ आ रहा है 500, तो इन्होंने यहाँ पे लिखेंगे कि he wrote a book which name was इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था सुनना ध्यान से हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने किताब लिखा था, किताब का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। ही रोट ए बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम जिसमें इन्होंने डिस्कस किया था 500 तरह के पौधों के बारे में, ठीक है। इन विच He discussed about जिसमें इन्होंने क्या बात किया है, इन विच ही डिस्कस्ड अबाउट 500 वेराइटी ऑफ प्लांट्स, इसीलिए इनको कहा जाता है, ठीक है। बॉटनी खत्म हो गया, बस लास्ट में जूलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद ये हमारा बायोलॉजी जो है कहानी वो खत्म हो जाएगा। बेसिक ऐसे तो है बहुत सारा, इसमें हम जितना हम शॉर्ट एंड सिंपल बना सकते थे इसको बनाए। चलो एक काम करोगे, इतना लिखोगे तब बताएंगे ना, उधर तो स्पेस नहीं है, हाँ फटाफट लिखेंगे। इतना बात समझ में आया इतना कि नहीं, अरे पूरा क्लियर समझ में आया, बोलो तुम क्या नहीं बोल रहे हो, हाँ तुम्हारा आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगा, इसे बुला के क्वेश्चनों पूछ जाएगा, कहले टेंशन ले रहे हो, अरे उधर नहीं। चलो इतना समझ में आया हमारे पास, देखो मेन सेल में जो है ना मेन रूप से अंडरस्टैंडिंग आता है वहाँ से जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। हाँ फिर भी ये सब भी अच्छा है। चलो अब यहाँ पे हम बात किए बॉटनी तक बात किए ना, चलो अब यहाँ पे एक है क्या बॉटनी, दूसरा ब्रांच क्या था,
जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, दूसरा ब्रांच हमारा जूलॉजी था। जूलॉजी के बारे में क्या बात है, ये इसके वर्ड पे फोकस करो, जैसे कि वर्ड पे वर्ड देखोगे, वर्ड से ही आधा बात समझ में आ जाता है, ठीक है, वर्ड से पता चलता है ना जी, बहुत बात पता चल जाता है किसी के, कोई कोई के नाम उसके वर्ड से रिलेटेड रहता है, और कोई के नाम और काम में बहुत बढ़िया बड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो वही बात है, नाम नहीं लेंगे वैसे, फिर कोई हर्ट हो जाएगा। देखो नाम रो हिटमैन शर्मा मतलब छक्का मारता है, ठीक है, विराट कोहली मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर है। तो नाम कोई कोई के नाम रिलेट करता है, जूलॉजी, जू और एल ओ जी ओ एस, दो वर्ड्स है, ठीक है। जू मतलब चिड़ियाघर, यहाँ पे नहीं होगा जी, एनिमल, ठीक है, यहाँ पे जू का मतलब एनिमल, एल ओ जी ओ एस का मतलब क्या, स्टडी, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है, एनिमल साइंस, ठीक है, यानी कि इसमें हम बात करेंगे ऐसा साइंस, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच, ब्रांच ऑफ ये हमारा लास्ट होगा, जिसके बाद हम आगे मतलब बायोलॉजी से जितना भी था वो खत्म हो जाएगा जूलॉजी के बाद, इसके बाद आएंगे सेल में, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट, वी स्टडी अबाउट, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट व्हाट, अरे जूलॉजी लिख रहे हैं, स्टडी अबाउट क्या, एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एनिमल्स। हाँ, अब यहाँ पे बात करेंगे कि फादर के बात कर लेते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, बहुत लोग पूछता है मदर क्या नहीं लिखते हैं, ठीक है, फादर ही डायरेक्ट क्या लिखते हैं, तो हमको भी नहीं पता चला आते, ठीक है, मदर भी लिख सकते हैं। बात ऐसा है कि इसमें फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं, तो फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं एरिस्टोटल को बोलते हैं। तुम बोलोगे उनको तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। यह है एरिस्टोटल, क्यों कहा जाता है, सेम कहानी बनाया हुआ है, कहानी बनाया हुआ, ये सब हजार साल पहले का ऐसा आदमी है, ठीक है, ये मतलब कि बीसी में इनका चलता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं ना, हाँ, ईसा मसीह के जन्म से पहले उस सब के टाइम के आदमी है, हाँ वही होता है ना, हाँ। तो ये क्या है, क्यों बोला जाता है इनको फादर ऑफ जूलॉजी, भाई सेम कहानी, ये भी 500 जीव के बारे में जो है ना, अभी हमको तो मतलब पर्सनली लगता है वही 500 यही 500, लेकिन किताब में यही लिखा हुआ रहता है कि ही डिस्कस्ड अबाउट 500, मानना पड़ेगा, ही डिस्कस्ड अबाउट 500 क्या, 500 वेराइटी या 500 क्रिएचर्स, ही डिस्कस्ड अबाउट 500 क्रिएचर इन हिज बुक, अपने बुक में लिखे हैं, ठीक है, इन बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलम, हिस्टोरिया एनिमेलम, ठीक है, इनके किताब का नाम है। तो ये हो गया बात कि इनको फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि 500 डाटा सेम नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर, लेकिन रफ आइडिया लगाया गया है कि इन्होंने ही पहली बार 500 जीव को एक जगह किताब में लिखा, उनके प्रॉपर्टीज़ को लिखा, उनके बारे में साइंस को समझाया, इसीलिए कहा जाता है, बात समझ आया, क्योंकि बाकी कोई पहले इनसे पहले नहीं किया था, पहली बार इन्होंने ही क्लासिफाई किया सभी चीज़ों को, 500 तरह के जीवों को एक जगह, 500 तरह के जीव को एक किताब में मेंशन किया। अब देखो ऑलमोस्ट बायोलॉजी का जितना भी इंट्रोडक्शन था ख़त्म हो गया। बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो बायोलॉजी किस लिए पढ़ते हैं पहले बताओ, बायोलॉजी इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए पढ़ते हैं, कि ह्यूमन के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ते हैं, ये बताओ किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग, बायोलॉजी या जो लोग नीट का तैयारी करता है डॉक्टर बनता है वो लोग बायोलॉजी पढ़ता है जाके, तो बायोलॉजी पढ़ते किस लिए पहले बताओ, हाँ ऑप्शन भी दे रहे हैं, ह्यूमन के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, कि नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए, हाँ
ह्यूमन के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ते हैं और नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए भी पढ़ते हैं, जिससे कि साइंस आगे तरक्की करे, साइंस में और चीज़ें रिसर्च हो के आते रहे, ठीक है। तो देखो, तो इस दो बात हम बोले दोनों में, तो बायोलॉजी को इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि एक होता है प्योर बायोलॉजी, ठीक है, एक होता है कोई बायोलॉजी पढ़ता है उसे पूछो कि व्हाट इज़ प्योर बायोलॉजी, ठीक है, व्हाट इज प्योर बोले इम्प्योर बायोलॉजी भी होता है क्या भाई। प्योर बायोलॉजी ऐसे बायोलॉजी को बोलते हैं या बायोलॉजी का ऐसा नॉलेज जो कि सिर्फ हम अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, हम अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़े जा रहे हैं कि रॉबर्ट हुक इसे डिस्कवर किया था, अब सब साइंटिस्ट इतना तक हो गया है, अब इसमें हम नया थ्योरी क्या ला सकते हैं। तो अगर बायोलॉजी सिर्फ नॉलेज के लिए, डिस्कवरी के लिए पढ़ा जा रहा है, तब उस बायोलॉजी को क्या कहेंगे? प्योर बायोलॉजी, ठीक है। तो हम बोलेंगे प्योर बायोलॉजी अ स्टडी ऑफ क्या है, व्हाट इज प्योर बायोलॉजी क्या है, तो बोलेंगे कि प्योर बायोलॉजी क्या है जी, अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें हम करते हैं अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इम्प्रूव या टू एक्सपेंड आवर नॉलेज सिर्फ नॉलेज के लिए, ठीक है, बस हमको मन है कि नहीं जानना है उसके लिए, उसको उस बायोलॉजी को बोलते हैं प्योर बायोलॉजी, ठीक है। ये पढ़ते हैं फॉर क्यूरियोसिटी, प्योर बायोलॉजी पढ़ते हैं किसके लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, उत्सुकता है जानने का, ठीक है, कि हमको और जानना है, तो उस बायोलॉजी को बोलते हैं क्या, प्योर बायोलॉजी। जैसे कि अभी हम प्योर बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, अरे क्या पढ़ रहे हैं, प्योर बायोलॉजी, बायोलॉजी कहाँ से आया, क्या आया, बायोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा जो बात कर रहे हैं प्योर बायोलॉजी पढ़ते हैं। जनरली तुम लोग बायोलॉजी क्लास 9 में क्या पढ़ते हो, प्योर बायोलॉजी पढ़ते हो, उससे ह्यूमन के लाइफ तुम इम्प्रूव ज़्यादा नहीं कर सकते हो, मतलब नॉलेज जानते हो, हाँ ये ऐसे होता है, सेल ऐसे काम करता है, टिश्यू ऐसे होता है, मतलब उससे तुम ह्यूमन के लाइफ को इम्प्रूव कर देते हो क्या बायोलॉजी पढ़ने के बाद, नहीं। लेकिन हाँ, डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, वो बायोलॉजी को अप्लाइड बायोलॉजी कहते हैं। तो एक बायोलॉजी का दूसरा हिस्सा भी है और उस हिस्सा को क्या बोलते हैं, बोलो, अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी क्या होता है, अप्लाइड बायोलॉजी क्या होता है बताओ, अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ, अरे बात समझ आया, अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं, अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो, अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। देखो क्या है, जड़ कमजोर रहेगा चैप्टर में, इंटरेस्ट नहीं रहेगा शुरुआत में, चैप्टर बढ़िया नहीं रहेगा, इसलिए शुरुआत में चैप्टर को दम टारगेट करो, हिट करो बढ़िया से, कि हाँ भाई जड़ मजबूत रहे चैप्टर का, दम जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, तो अप्लाइड बायोलॉजी इसको बोलते हैं। और अप्लाइड बायोलॉजी किसके लिए पढ़ते हैं बताओ, अप्लाइड बायोलॉजी फॉर प्रॉब्लम ऑफ रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस है, तो वायरस क्या होता है, वायरस का क्या स्ट्रक्चर है, वायरस कैसे मरेगा, इस पर अगर साइंस बायोलॉजी कोई पढ़ रहा है तो बायोलॉजी क्या कहलाएगा, अप्लाइड बायोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि फॉर, यहाँ पे तो लिख दिए फॉर प्रॉब्लम्स, अप्लाइड बायोलॉजी पढ़ा जाता है फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में जितना भी प्रॉब्लम है, हाँ रियल वर्ल्ड में सब प्रॉब्लम, जैसे कि अब मतलब तुम्हारा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है उसके लिए ही नहीं पढ़ेंगे, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम पढ़ते हैं अप्लाइड बायोलॉजी, अरे बात समझ आया, ये नहीं कि तुम्हारा हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा अप्लाइड बायोलॉजी में। हाँ, ये रहा हमारे बायोलॉजी के बारे में जितना भी था। चलो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो हम यहाँ पे बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं सेल के बारे में। नहीं रुक जाओ, थोड़ा बहुत और इसमें बता देते हैं सेल। देखो, सेल के बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आई थोड़ा सा झूठ सच डिज़ाइन बना देते हैं, ये सब झूठ सच है, ठीक है। चलो देखो आगे जो बात है, यहाँ से चलते हैं सेल के बारे में। देखो सेल के बारे में क्या है, सबसे पहला चीज़ कि अ स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी कहते हैं, सेल के बारे में पढ़ना, सेल के बारे में अध्ययन करना कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी, ठीक है।
साइटोलॉजी। तो सेल का जो साइंस है, सेल के बारे में जितना भी चीज़ समझते हैं उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। यानी कि हम साइटोलॉजी को डिफाइन करते हैं, साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है, तो यानी कि बोल सकते हैं साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी का डेफिनेशन लिख रहे हैं, साइटोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, डेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, साइटोलॉजी इज डेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जिसमें हम पढ़ते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड, सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। देखो, हम इसलिए इस पे बात किए ना, बायोलॉजी पे इसलिए हम इतना जोड़ दिए हैं क्योंकि हम ऐसा देखे हैं बहुत लोग को कि कोई पूछ रहा है क्या पढ़ रहे हो, बायोलॉजी, चलो बताओ व्हाट इज़ बायोलॉजी। ठीक है, पहला ही कोई क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज़ बायोलॉजी, ये नहीं पूछेगा, कहे कि उसको तो ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, तुमसे यही पूछेगा व्हाट इज़ बायोलॉजी, ए बायोलॉजी हम तो सेल से पढ़े, सेल से पूछिए, ऐसा नहीं करना है। कोई पूछे व्हाट इज़ बायोलॉजी तो दो सवाल तुम ही पूछ लो कि ठीक है हम तो बता दिए बायोलॉजी, अब आप बताइए व्हाट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, हु डिस्कवर द टर्म बायोलॉजी, हु डिस्कवर द टर्म बॉटनी। ठीक है, तो कहेगा कि ना थोड़ा सा पूछे लाइक ना है अगला बार से। ठीक है, तो देखो, तो उस तरह का बात हमें समझना चाहिए साइट। हाँ, जहाँ पे नहीं आए क्लियर बोलो, नहीं आता है बताइए, ठीक है, आता है समझाओ, ये नहीं कि ज़्यादा तेज बने ला पूछ रहे हैं, बहुत लोग का आदत होता है, नहीं आता है एक्सेप्ट करो कि हमको नहीं आता है बताइए। ठीक है, चलो, तो साइटोलॉजी के बारे में बात किए, क्या बोलो, खींच बढ़ता है क्या, हमको तो खींच नहीं बढ़ता है, हम बहुत बार स्टूडेंट भी कुछ सवाल पूछ लिया, अगर हमको बाय द वे नहीं आ रहा है तो हमको ऐसे थोड़ी, हम क्या बोल रहे हैं, हमको बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर नहीं आया तो हम बोलते हैं कि हमको अभी नहीं आ रहा, हम कल बताएंगे, या हम थोड़ा सा मतलब किताब में देख के बताएंगे, नहीं आ रहा है तो एक्सेप्ट करने में क्या है, कोई रोबोट थोड़ी है कि हमको दुनिया की हर बात पता होगा, अरे बोलो, कोई रोबोट नहीं है, जो पढ़ा रहा है वो भी तो कहीं से पढ़ा है, हाँ, हमारे अंदर मेमोरी कार्ड तो फिट नहीं है, हाँ, तो यही बात है। अब जो तुम इतना पढ़ रहे हो, ठीक है, अब इसको इस पूरा चीज़ हम क्या बोले, हम समराइज करके एक जगह लाए, ठीक है, अब इसको तुम पढ़ोगे, रियल में सारा डाटा को इकट्ठा करोगे तो एक घंटे के क्लास के लिए 4 घंटा टाइम लगता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है 1 घंटा का कंटेंट बताने के लिए 4 घंटा 4 बुक देख के एक जगह लाना पड़ता है, तब जाके उस सीक्वेंस में आता है कि यहाँ से ही लाना है, ई बुक में से ए लाना है, यहाँ से ए बताना है, तब जाके हो पाता है। तो खैर, देखने में लगता है ऐसा बड़ा सिंपल, खैर उतना हम गुणगान नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं सेल के बारे में, आगे हम बात करते हैं सेल का जो सबसे बेसिक डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सेल के अंदर जाएंगे। तो देखो, सेल को कहा गया है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये बस ऐसे ही लिखने के लिए लिख रहे हैं, एक्चुअल में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे सेल थ्योरी के टाइम पे। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, इसीलिए सेल इतने इंपॉर्टेंट है, सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। अब देखो, सेल के बारे में थोड़ा सा ऐसे ही बात सुन लो। हाँ, क्या पार्ट नहीं लिख सकते हैं, पार्ट मतलब एक हिस्सा नहीं है, सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, कहने का मतलब है, क्या ये घर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है बताओ, ये पूरे बिल्डिंग का ईंट, अरे स्ट्रक्चरल, पूरा घर किस चीज़ से बना है, ईंट से बना है, उसी तरह से हमारा बॉडी पूरा डेवलप होता है कहाँ से, सेल से, सेल ही मतलब हमारे पूरे दुनिया में किसी भी तरह के जीव हो, अगर वो लिविंग थिंग्स है, चाहे वो पेड़ हो या वो एनिमल हो, मतलब ट्री, मतलब कि प्लांट हो या एनिमल हो, जीवन का शुरुआत उसका एक सेल से हुआ होगा, सेल ही जुड़ जुड़ के सेल डिवीजन कर करके उसका पूरा बॉडी बनाया है। तो जितना भी बॉडी के मेजॉरिटी केमिकल रिएक्शन होता है, मैक्सिमम रिएक्शन उस सेल के अंदर होता है, कल पढ़ाए थे हमें एनर्जी मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मिलता है ना, से ग्लूकोज कैसे अंदर जाता है, अरे बात समझ आया पूरा, तो मैक्सिमम रिएक्शन हमारे सेल के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे सेल के अंदर से बाहर आता है वेस्ट के रूप में। तो भाई, पार्ट नहीं यूनिट, इकाई, हिस्सा नहीं, यूनिट का मतलब एक छोटा सा इकाई है। ठीक है, अच्छा,
ये बात हुआ। अब थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहाँ पे बात बता रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम आता है, बस एक कहानी के तौर पे सुना रहे हैं, उसके बाद हम उसके बारे में भी बता देंगे। पहला कहानी में आते हैं रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक सिंपली क्या करते हैं कि टाइम है 1665 का, 1665 में एक खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाते हैं। माइक्रोस्कोप अगर नहीं रहे, यानी कि फिजिक्स में आता है माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना फिजिक्स में आता है, ठीक है। हम लोग फिजिक्स में माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर फिजिक्स ना रहे तो बायोलॉजी के नामो निशान हट जाएगा जी। हम मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन माइक्रोस्कोप ही नहीं रहेगा तो ये सब कहानी आएगा कहाँ से, सेल को देखेंगे कहाँ से। अरे ये भी बात है ना, तो हाँ ये भी बात है। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रिलेटेड है आपस में किसी न किसी तरह से। तो रॉबर्ट हुक अपने से वो माइक्रोस्कोप बनाए, सिंपल माइक्रोस्कोप था, एकदम नॉर्मल, ठीक है, जिसको एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया जाता है प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप। प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप मतलब बहुत साधारण सा माइक्रोस्कोप, ठीक है। प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप बनाए और क्या करते हैं कि पेड़ का छाल लिए, ठीक है। पेड़ का छाल को हम बोलते हैं कॉर्क स्लाइस, उसको उसका नाम है कॉर्क स्लाइस। पेड़ का छाल लिए और उस छाल में से उसका कॉर्क स्लाइस निकाले, कॉर्क का स्लाइस। बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि क्या है भाई, तो देखो कॉर्क का स्लाइस मतलब पेड़ का छाल में से एक हिस्सा, ठीक है। पेड़ के छाल में से कुछ निकाला उसने, जिसको उन्होंने नाम दिया कॉर्क स्लाइस। उस कॉर्क स्लाइस को उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उनका ऑब्जर्वेशन का चार पॉइंट है। क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट कि जैसे ही इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उस कॉर्क स्लाइस को देखा तो उनको पहला चीज़ दिखा छोटा छोटा कंपार्टमेंट दिखा, जैसा कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वैसा कंपार्टमेंट दिखा। वो देख के बड़ा हैरान रह गए कि क्या है भाई, मधुमक्खी जैसा ही कंपार्टमेंट जैसा, मतलब उनको कंपार्टमेंट मतलब वो उसको उन्होंने कंपार्टमेंट बोला। उसको तुम उसको एक और वर्ड दिया जाता है, रॉबर्ट हुक ने उस छोटे छोटे कंपार्टमेंट का नाम अपने लैंग्वेज में सेल्यूला बोला, ठीक है। CELLULAE होता है ना, सेल्यूले बोलते हैं, सेल्यूले, ठीक है। तो उन्होंने उस छोटे छोटे कंपार्टमेंट का नाम सेल्यूले बोला। सेल्यूले का मतलब निकालोगे उनके लैंग्वेज में तो उसका मतलब होता है छोटा रूम, छोटा सा रूम, ए लिटिल रूम, ठीक है। तो उन्होंने छोटा छोटा रूम देखा था इसलिए अपने लैंग्वेज में उसको क्या बोला, सेल्यूले। सेल्यूले का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा रूम जो कि कैसा दिख रहा था, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा, कैसा दिख रहा था, मधुमक्खी के छत्ता जैसा दिख रहा था। अब क्या हुआ, उन्होंने एक्चुअली में जो देखा ये सारी चीज़ें, ठीक है, उनका ये ऑब्जर्वेशन था और ये पहली बार था ना, सुनना ध्यान से, और ये पहली बार था जब कोई भी साइंटिस्ट ने यह समझाया कि लिविंग थिंग सेल से बना हुआ रहता है। लिविंग थिंग क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, मतलब लिविंग थिंग कोई छोटा छोटा चीज़ के मिल के बनता है, ठीक है। पहली बार किसी साइंटिस्ट को ऐसा अनुभव हुआ, ठीक है, और उन्होंने ये सारी कहानी अपना ऑब्जर्वेशन एक किताब में लिखा है। उनका किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया नाम का एक किताब है, ठीक है, माइक्रोग्राफिया नाम के किताब में उन्होंने ये सारी कहानी को समझाया है और वही कहानी को उठा के इस चांद छापा है, एनसीईआरटी छापा है, बात समझ आया ना। वो कहानी अवेलेबल है हर जगह पे उनका किताब में, माइक्रोग्राफिया बुक में डिटेल कहानी है बहुत सारा, अपना माइक्रोस्कोप को कैसे बनाए हैं ये सब कहानी है। हाँ, और सेल वर्ड का सबसे पहले कौन डिस्कवर किया है, रॉबर्ट हुक ही डिस्कवर किए हैं 1665 में। अरे बस में आया, यही है, इसको उतार लो, ठीक है। हम डिस्कवरी ऑफ सेल में रॉबर्ट हुक का कहानी समझा दी, इसके बाद क्या कहानी और है, ल्यूवेन हुक का नहीं, हाँ ये भी बोल देते हैं। सुनो, रॉबर्ट हुक ने जो वो देखा था एक्चुअली वो डेड सेल था, ठीक है। डेड सेल इसलिए बोल रहे हैं कि उनको छोटा छोटा रूम देखा था, छोटा छोटा रूम दिखा मतलब ना उनको बस वो दीवार दिखा सेल का, बाहरी हिस्सा, सेल के अंदर का वो कुछ नहीं देख पाए थे। अरे उनका माइक्रोस्कोप बड़ा साधारण सा था, ठीक है, वो चोर बाजार वाला माइक्रोस्कोप था, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से उनको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, उनको बस दिखा क्या कि हाँ छोटा छोटा रूम है, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बना हुआ है वो रूम के, और रूम उनको खाली दिखा। मेन बात ये है, ड्रॉबैक भी है बोल सकते हैं उनको, एक उनका एक गलती बात भी है, वो बोल दिए कि खाली रूम रहता है। खाली रूम एक्चुअल में उनको दिखा था लेकिन सेल के अंदर खाली थोड़ी रहता है, अरे सेल के अंदर तो बहुत सारा मटेरियल, सेल ऑर्गेनेल्स रहता है। तो उन्होंने डेड सेल देखा था, कैसा सेल, डेड सेल, ही एक्चुअली सॉ द डेड सेल ऑफ द प्लांट का उन्होंने डेड सेल देखा था, ठीक है।